वर्ल्ड कप 2023 सुपर 8 मुकाबले का तीसरा मैच जो है भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। भारत एक मजबूत टीम है, एक मुकम्मल टीम है और बहुत अच्छी फॉर्म में भी है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने हालिया अरसे में कुछ टीमों को हराया तो है, लेकिन वो अनसर्टल पाकिस्तान की टीम थी, अनसर्टल इंग्लैंड की टीम थी, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट टीमें थी, अच्छी तरह तैयार नहीं थी, या इस मरतबा न्यूजीलैंड की टीम जो कि प्रिपेयर नहीं थी, जिसके पास कोई मैच प्रैक्टिस नहीं थी, तो ऐसी टीमों को तो अफगानिस्तान ने हरा दिया। लेकिन अब अफगानिस्तान क्या भारत को हरा पाएगा? नामुमकिन सी बात है। क्या अफगानिस्तान इसी ग्रुप में आगे चल के ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा? वो भी तकरीबन नामुमकिन है। वजह साफ जाहिर है, अफगानिस्तान के खिलाड़ी मुकाबला करना तो दूर की बात, थोड़ा सा भी जिसको ना फाइट स्पिरिट भी नहीं दिखाते इन मुकाबलों में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स, वो अपने बिग बैश लीग के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो खोना नहीं चाहते। अफगानिस्तान का जो इंटेंट पाकिस्तान के खिलाफ होता है या बांग्लादेश के खिलाफ होता है या श्रीलंका के खिलाफ होता है, उस एग्रेशन का, उस इंटेंट का 1% भी जो है वो भारत या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं होता। और खासतौर पर भारत को तो ये मुकाबला अफगानिस्तान की टीम जो है प्लेट में ऐसे सजाकर पेश करेगी, इस मुकाबले का प्रीव्यू करने की भी कोई जरूरत नहीं है, नतीजा हम सबको मालूम ही है। तो दोस्तों, विन प्रिडिक्टर की अगर बात की जाए तो भारत के लिए इस मुकाबले को जीतने का चांस है 99.99%, यानी 99.99% चांस है भारत के जीतने का, और अफगानिस्तान के जीतने का चांस है 0.01%, यानी बिल्कुल 0.01 चांस है अफगानिस्तान के जीतने का। इस मैच का हाल सबको मालूम है, तो इस मैच के मुतलिक को प्रिडिक्ट करना कोई हैरानी की बात ही नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि भारत यह मुकाबला जीतेगा, और हम तो यहां तक कहने को तैयार हैं कि अफगानिस्तान इसके अंदर इस मैच में मुकाबला भी नहीं करेगा, ऐसे प्लेट में तश्तरी में सजाकर भारत के हवाले ये मैच करेगा और भारत को न सिर्फ 2 पॉइंट देगा बल्कि भारत को अच्छी रन रेट बनाने का मौका भी फराहम करेगा। अफगानिस्तान इस हद तक अपनी वफादारी जो है वो भारत के साथ निभाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या ख्याल है।